पंजाब के फिरोजपुर का इंसिडेंट है और उन्होंने बताया कि 40 साल 30 साल पहले इंसिडेंट हुआ था। तो वहां पर एक लड़का था जिसका नाम था अमन, 19-20 साल का था, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। तो ये बेसिकली होता गया कि इसके पापा जो है वो रिटायर्ड हैं और इसके पापा अपने घर में बैठा करते थे और बड़ी मुद्दतों से एक लड़का जन्म हुआ था, घर में इकलौता लड़का था। तो इसके पापा को जिस दिन वो कॉलेज गया था इसके पापा को कुछ आवाज आती कि घर के बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं, जैसे आघोरी टाइप होते, किसी के हाथ में घास है, किसी के हाथ में लकड़ी है, किसी के हाथ में मतलब पोशाक है, धोती वोती पहन रखी थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी। तो वो उनके घर के सामने से बोलते हुए निकलते कि आज तो अमन को हम मार देंगे, अमन को अपने साथ लेके चले जाएंगे, अमन का मरने का वक्त आ गया। तो ये चीज उसके पापा सुन लेते हैं घर में से। तो वो एकदम से जब ऊपर जाले में से मुंह करके देखते तो वो इतने आघोरी ऐसे थे दिखने में, उसके पापा बताते कि मतलब देखकर इतना ज्यादा डर लग गया था ना कि जैसे सही में यमदूत आ गए। तो उसने क्या करा, जैसे ही उसने देखा कि अमन घर में आ गया, उसके पापा ने